हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेड पुलाव बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यह दो बड़े प्याज लिए हैं, ये मटर है, फ्रोजन मटर है, दो टमाटर है और दो हरी मिर्च है। सबको मैंने कट कर लिया है, बारीक कट कर लिया है। और इधर ये ब्राउन ब्रेड है, जिसको कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 7-8 ब्रेड होंगे, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और इन सब सब्जियों को मिलाकर मैं ब्रेड पुलाव बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो और भी सब्जियाँ ले सकते हैं, मेरे पास अभी इतना ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं ब्रेड पुलाव। पुलाव बन के तैयार हो गया। आप इसमें चाहे तो ऊपर से थोड़े सेव वगैरह डाल सकते हैं, अच्छा लगता है, जैसे पोहे में डालते हैं ना, तो डाल के खाइए, बहुत स्वाद लगता है। तो देखिए तैयार हो गया बन के ब्रेड पुलाव। और यहाँ पर मैं अपने बड़े वाले बालकनी में खड़ी हूँ, बाहर का नज़ारा देख रही हूँ, क्योंकि घर में भी रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी आके बाहर यहीं पर खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखती हूँ या फिर यहाँ चेयर पर बैठ जाती हूँ। वैसे बाहर तो कुछ दिखते हैं नहीं, रोड तो एकदम सूने पड़े हुए हैं, इक्के दुक्के लोग दिखते हैं आते जाते बस। तो कभी कभी आके खड़ी हो जाती हूँ यहाँ पर। और हाँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आज सुबह में क्या हुआ कि ये जो टुकड़े हैं ना, इसमें ये कल आलू और प्याज लाए थे, तो इसमें ही हम लोग रख के छोड़ दिए थे कि आज रख देते हैं, कल इसको अंदर रखेंगे, धो पोछ के अच्छे से फिर इसको अंदर रखेंगे। और एक मूंग की दाल भी लाए थे और रस बिस्किट भी लाए थे। तो पता नहीं, लगता है चूहा कल घुस गया अंदर और इसने कुछ तबाही मचाई है रात में। और पता नहीं कैसे आया, जबकि ये देखिए जाले लगे हुए नीचे में पूरे, और अच्छे से मतलब कड़क जाली है हम लोग ने लगाया हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं किधर से घुस गया अंदर। हम लोग बहुत डर गए थे। और उसने एक आलू खाया और आलू को ना यहाँ पर नीचे गिरा दिया था, पूरा आधा खाया हुआ था। और ये जो मूंग की दाल है मैं मंगवाई थी, इसका भी पूरा थैली कटा हुआ था, पूरा थैली को काट दिया था। इस अभी तो मैं दूसरे थैली में डाली हुई हूँ उसको। तो ये दाल भी तो मैं बोली अब तो यूज़ करूँगी नहीं, चिड़िया वगैरह को दे दूँगी, क्योंकि ये थैली पूरा काटे हुए था तो अंदर मुँह लगाया हुआ होगा। तो मैं बोली कि अब तो मैं इसको बनाने वाली नहीं हूँ, चिड़िया वगैरह को, कबूतर को दे दूँगी, वो लोग खा लेंगे। तो सुबह उठे थे ना हम लोग, बहुत डर गए कि पता नहीं कहाँ से चूहा घुस गया अंदर, ये सब जाली लगे हुए हैं, फिर भी किधर से ये आ गया। तो अब तो कोई चीज़ बाहर रख नहीं सकते हैं, डर है, कुछ भी अगर रखेंगे तो पता नहीं कहाँ से आकर फिर से तबाही मचा देगा। अब तो कोई भी सामान लाएंगे तो बाहर तो रख के छोड़ ही नहीं सकते हैं। वैसे कोई भी सामान हम लोग बाहर ऐसे रखते नहीं हैं, बालकनी भी इतनी बड़ी है, पर फिर भी हम लोग कुछ ज़्यादा सामान इसमें नहीं रखते हैं। आप भी देख लो बस, हमारे यहाँ दो, और ये ना यहाँ पर पूरा गंदा कर दिया था आलू से, तो इसको भी मैंने सुबह पूरा धोया है अच्छे से। और ये मैं दिखा रही थी कि बालकनी में भी हम लोग ज़्यादा कुछ रखते नहीं है, बस इधर देखो दो चेयर रहते हैं, यहाँ पर बस साइकिल है मेरी और वॉशिंग मशीन, इतना ही कुछ रहता है बालकनी में। बेडरूम वगैरह भी क्लीन हो गया है, देखो चादर वगैरह सब साफ़ सुथरा हो गया है सब। नाश्ता वगैरह दिखाया, नाश्ता तो वही हुआ, और इधर भी सब है। और ये चिंकी आजकल ये किताब पढ़ती हैं, इनको ये मेरे मामा जी हैं, मतलब मेरे सासू माँ के भाई हैं, यहीं रहते हैं मुंबई में ही, उन्होंने ये बुक चिंकी को गिफ्ट किया था। तो आजकल चिंकी के पास टाइम है तो ये बुक पढ़ती हैं।
बहुत अच्छी बुक है ये वाली बुक। आजकल उनका अच्छा से टाइम हो रहा है, बुक पढ़ रही हैं, और भी कुछ कुछ किताबें हैं तो अपना पढ़ कर टाइम एक्सपेंड कर रही हैं। और ना सब हो गई है, अभी क्या है ध्रुव की रिजल्ट भी नहीं आई थी ना, अभी 23 को आने वाली थी, 23 मार्च को, तो रिजल्ट भी नहीं आई थी उनकी, लेकिन ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका है। ध्रुव का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, 6 से पास कर गए हैं, तो रिजल्ट उनकी बहुत अच्छी आई है। और दूसरी बात कि इन लोग की ऑनलाइन पढ़ाई भी चालू हो चुकी है। कितने दिन हो गए ध्रुव? 2 दिन से ना, कल से हुआ है, हाँ कल से ऑनलाइन इन लोग की पढ़ाई चालू हो चुकी है। तो ध्रुव बहुत खुश हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब वही फोन पे लैपटॉप पे आपको पढ़ाई करनी है, तो बोर हो जाते थे तो ये बहुत अच्छा हो गया, कम से कम पढ़ाई हो रही है और ध्रुव बहुत खुश है। तो चलिए देखिए ध्रुव कितने खुश हैं। ध्रुव कैसा लग रहा है अभी, पढ़ाई हो रही है अच्छे से? देखिए बैठे हुए हैं, नहाना वहाना हो गया है, नहा सुबह उठ जा रहे हैं अभी 8 बजे से ना इन लोग की पढ़ाई चालू हो जा रही है 8 बजे से, तो सुबह उठ जाते हैं अभी। चल रही है और हर सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर हैं, जो उनसे आप कांटेक्ट करो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर से आप उनके पर्सनल नंबर पे आप पूछो, जिस सब्जेक्ट की है मैथ साइंस मतलब जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सबका व्हाट्सएप नंबर है, आप उनसे टीचर से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ, खुश है ना हो ना, बताओ जिनकी पढ़ाई हो रही है अभी 10th है ना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और इस रूम में मैं जब भी आती हूँ ना, मेरा ये गुल्लू ध्रुव को ही पता है, मम्मी इसके साथ खूब खेलती है ना, मेरा ये गुल्लू पोलू है। आप लोग को भी अच्छा लगता है क्या सॉफ्ट टॉयज? बच्चे क्या मैं खेलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एक बहुत बड़े वाले भी है लेकिन उसको पैक करके रखी हुई हूँ, बाहर रहेगा तो गंदा हो जाएगा। क्या चाहिए, अभी तो मैं पास्ता नहीं बनाने वाली, अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने, नाश्ता हो गया पर चाय अभी नहीं हुआ है, सुबह से चाय भी नहीं पी हूँ, अभी जा रही हूँ चाय पीने। आप क्या खाओगे बता दो, मैं जा रही हूँ बनाने। ये ना वो ब्रेड पुलाव ये सब चीज इनको पसंद नहीं है, है ना। अभी ना मैं चाय पी रही हूँ, नाश्ता तो हो गया था बट थोड़े से बच गए थे ये, मैं सोची कि इसको मैं खा लेती हूँ चाय के साथ, अच्छा लगता है। और इधर टीवी चल रहा है, टीवी भी देख रही हूँ, चलो थोड़े से बच्चे हैं तो इसको खा लेते हैं।
आज का लंच चावल, बेसन की सब्जी और मक्खन के पकौड़े। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय।